हमें लोगों से रिश्ता बनाना था, चीजों को इस्तेमाल करना था, हम चीजों से रिश्ता बनाने में मशगूल हो गए और लोगों को इस्तेमाल करने की आदत हमें पड़ गई, इसलिए ये अंतर आया। मेरे बड़े मित्र बड़े भाई कवि जबलपुर से भाई सूरज राय लिखते हैं, ये तो अच्छा है कि एक बैनर के तले हमारे चेयरमैन साहब ने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया और आप लोग एक परिवार के रूप में एकत्रित हुए। अभी वो हर्षित बता रहा था, बोले भैया संयोजन नहीं आयोजन नहीं। मैंने कहा बेटा आयोजन तो ब्रजेश गोयल जी का ही है, संयोजन तेरा, क्योंकि तू बातचीत करता रहा उनके बिहाफ में। आयोजन और संयोजन का यदि किसी को नहीं पता हो तो इसमें केवल वही अंतर है दोस्तों जो निमंत्रण और आमंत्रण में होता है। तो पहले अपना शब्द कोश ठीक करिएगा, हमें पता है कि कौन आयोजन करता है, लेकिन आप विद्वजन बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, मैं बधाई देता हूं गोयल साहब कि आपने कमाया क्या है, आपने यही कमाया है कि आपके एक इशारे पर आपके एक संयोजन एक आयोजन में ये सारे लोग यहाँ परिवार के रूप में बैठे हैं। वरना आजकल हम बैठते भी कम है साहब के चेहरों पर मुस्कान दिलों में लिए खाई बैठे हैं, चेहरों पर मुस्कान दिलों में लिए खाई बैठे हैं, करके पहले से की हिसाब पाई पाई बैठे हैं। आज करने वाले हैं वसीयत बाबूजी दौलत की, आज पहली बार इकट्ठे चार भाई बैठे हैं, आज पहली बार इस स्थिति में आप लोग यहाँ बैठे हैं। यार मैं अक्सर कहता हूँ कि मोटापे में अनाज से डॉक्टर के इलाज से, मोटापे में अनाज से डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साज से, शादी वाले दाँत से, मुफ्त की मसाज से और जिंदगी में प्याज से बचना जरूरी है, खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। ये मोटापे में मोटापे में अनाज है, ये तो अच्छा है, इसने ठीक से सम्मान करवा दिया सारे कवियों का। वरना मैं सच बता रहा हूँ, पिछले दिनों हरियाणा में था मैं सर रोहतक में, वहां एक रामलीला कमेटी के चार सदस्य थे, उन्होंने कवियों का सम्मान करना था, सबसे पहला सम्मान मेरा ही। सबसे पहले सम्मान में वो पहले वाले सदस्य ने ऐसे मुझे माल्यार्पण कर दिया, दूसरे ने मुझे पुष्प गुच्छ दे दिया, तीसरे ने प्रतीक चिन्ह मोमेंटो दे दिया, अच्छा चौथा जो सदस्य था वो हाथ में शॉल लिए घूम रहा। मैं इधर खड़ा ये सोच रहा हूँ ये शॉल उड़ाई तो मैं बैठू। अब उसके तीनों साथियों ने कहा, बोले तुम आगे जाते क्यों नहीं, कवि को शॉल उड़ाते क्यों नहीं। बोले भाई जी पहले कवि जी अपना प्रतीक चिन्ह माला आदि इत्यादि समेटे तो सही, मैं शॉल भी उड़ा दूंगा ये लेटे तो सही। कई बार ये सम्मान की स्थितियां बड़ी विचित्र हो जाती है, लेकिन मोटापे में अनाज से डॉक्टर के, और ये जो मैं बता रहा हूँ मैं बहुत लोग देखता हूँ, ये पूरे देश की हालत है, जिसे देखो राजनीति का भूत, नेतागिरी का भूत, और उसका पता क्या, किसी के कार्यालय चले जाओ, दुकान पे चले जाओ, किसी के घर चले जाओ, बड़े 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 मंत्रियों के साथ फोटो, अरे यार काहे को खिंचवा रहे हो, ये बताना बंद कर दो, मेरी फलाने से जान पहचान है, फलाने से ये जान पहचान मरवा भी देती है। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं पिछले दिनों गोयल साहब तिहाड़ जेल गया दिल्ली में कविता पढ़ने गया, तिहाड़ जेल गया, वहां एक कैदी को एक सिपाही कह रहा था, बोले नहा धो के तैयार हो जा, 10 मिनट बाद तेरी फांसी होने वाली है। बोले पर मेरी फांसी तो 6 महीने बाद लिखी थी। बोले ना ना जेलर साहब कह रहे हैं मेरे गांव का आदमी इसका काम पहले। सच बता रहा ये तो आज वो अतिथि और आते थे हमारे दोस्त हैं आपके क्षेत्र में, डॉक्टर राकेश मिश्रा एसपी क्राइम, वो लखनऊ से आ गया, उनका न्योता तो जाना पड़ा वरना वो रहते, वो कई बार मैं उन्हें भी समझाता हूँ, वो उनमें थोड़ा सा रुआब आ गया वर्दी का, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने पिछले दिनों कहा अच्छा वो बेटे को समझा रहे थे, मैं लखनऊ गया होता तो मैं उनके घर ही रुकता हूँ, अब मैं गया तो वहां बेटे को समझा रहे, बोले देखो तुम जिसे भी बताया करो बड़े रुआब के साथ बड़े गुरूर के साथ बताया करो कि तुम डॉक्टर राकेश मिश्रा के एसपी के बेटे हो। अच्छा भाभी को ये बात पसंद नहीं है, बोले छोटा सा बालक है इसके दिमाग में पहले से पता नहीं है क्या क्या भरने, बड़ा होके करेगा क्या। अच्छा बेटा कंफ्यूज, बोले पिता की मानू के माँ की मानू। अच्छा वो कोई गांव देहात से उनके घर रिश्तेदार आ गए, उन्होंने उनका बेटा छोटेपन में देखा था, थोड़ा बड़ा हो गया, वो खेल रहा था ड्राइंग रूम में, गाँव से आए लोगों ने पूछा रिश्तेदार ने, बोला तू डॉक्टर राकेश मिश्रा का बेटा है क्या। बोले जी पापा तो यही कहते हैं, मम्मी मना करती है। तो कई बार ये सब मामले बिगड़ जाते हैं, लेकिन मोटापे में अनाज से डॉक्टर के, देखो अब आ रहे हो आप ठीक ठाक सुनने के मूड में, ये वतरस करना पड़ता है, ये वतरस करना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात भी ले जाना साहब, क्योंकि क्या है कि आजकल तमाशे ज्यादा होने लगे, कविताएं कम होने लगी। राजस्थान प्रगल डॉक्टर अशोक चक्रधर जी के पिताजी खुर्दा से
उन्होंने कभी एक बात कही थी कि दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, नींद जो ना आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में ना करो कोई काम ऐसा मुंह जो छुपाते फिरो दिन के उजेरे में मुंह जो। तो कविता तो साफ कविता ही होती है, वरना तो सच बता रहा हूँ, मेरे तो पड़ोस में एक नेता हो रहे थे अच्छा इत्तेफाक से, वो भी गोयल साहब ही, सच बता रहा हूँ, और इतने जिंदा दिल आपकी तरह, मैं कहा नेताजी आपकी दुनिया बहुत बढ़िया है, आनंद करते हो, बस करना क्या है बेटा, सुबह समाज सेवा रात को मसाज सेवा। बारीक बात है कि मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साथ से, शादी वाले दांत से, मुफ्त की मसाज से, और जिंदगी में प्यार से बचना जरूरी है, खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है, और बेसुरे आलाप से, किसी भी विलाप से, गुस्से वाले ताप से, प्रेमिका के बाप से, पंचायती खाप से, और भ्रूण हत्या पाप से बचना जरूरी है, खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। तो आइए हंसने। अच्छा कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसे लोगों में चले जाते हैं, आप तो बड़ा आनंद ले रहे हैं साहब, वरना कई बार हम ऐसे धन्ना सेठों में फंस जाते हैं, सच बता रहा हूँ। मैं तो पिछले साल अमरीका था गोयल साहब, डेढ़ महीना अमरीका की यात्रा पर था, और 21 शहरों में कवि सम्मेलन करके आया। अच्छा हम तो भारतीय आदमी, जैसे अपने यहाँ जयपुर जयपुर कहीं जाते हो तो ढोला कौन से पकड़ते ना वोल्वो बस, वैसे वहां भी चलती है बहुत सारी, मैं वो बस में बैठ गया। देखो क्या होता कभी कहां से पकड़ता चीजें, मैं वोल्वो बस में बैठा तो साथ में वो बैठे थे चर्च के फादर पादरी साहब, मेरे मुंह से अचानक निकल गया जैसे अपन जान पहचान करते हैं, मैंने कहा फादर व्हाट इज योर हॉबी, बोले नन। नहीं पहुंची होगी बात। अच्छा उन्हें मेरे मुंह से भपका आया, मुझसे कहने लगे तुम्हें गॉड ने कुछ अच्छा करने को भेजा, तुम